हेलो फ्रेंड्स, ये MSc 109 रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स के 5 ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें मैंने ब्लॉक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं और साथ ही मैंने मेंशन किए हैं कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है और कौन से ईयर में आया है। पहला जो क्वेश्चन है वो ब्लॉक 1 से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 ईयर्स के लिए आया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये आता ही है, और भले ही इसके जो सेकंड पार्ट है वो कभी कुछ और करके अलग अलग तरीके से पूछता, कभी 20 मार्क्स के लिए तो कभी 12 मार्क्स के लिए। ये जो क्रिटिकल थ्योरी थ्योरी ऑफ पैराडाइम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये तो काफ़ी बार पूछा है, टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शन डेटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच एनालिसिस। सो ये इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो ईयर ऑफ जो रिपीटिंग हो रहा है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा लगेगा रिपीट है, लेकिन वो रिपीट नहीं है क्योंकि उसका आधा पार्ट सेम है और आधा पार्ट जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से मैंने वो जो क्वेश्चन है वो जैसे का वैसे ही लिख दिया है। जो ब्लॉक 1 है वो ब्लॉक 1 में काफ़ी सारे जो काफ़ी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भले ही फिर ब्लॉक 4 और 5 से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आई होप कि मेरी ये हेल्प आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने ब्लॉक वाइज दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो भी ब्लॉक है उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आते हैं, वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन ही होता है, स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 12th होता है वो 12th क्वेश्चन जो होता है वो उसमें डिफरेंस बिटवीन ही पूछे जाते हैं। 3, 4 या 5 दिए रहते हैं, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने होते हैं, तब एक जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इसमें जैसे ये ब्लॉक है इसमें ये मोनो मेथड और मिक्स मेथड जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड अलग से और क्वांटिटेटिव मेथड अलग से, और फिर दोनों का मिक्स। और ये एक तरह से पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो एंड मिक्स मेथड, और भी पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ये रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये 12 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 20 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। यहाँ पे टू दो टाइम ही यहाँ पे दिख रहा है, बट आप देखेंगे कि ये इसके अलावा भी पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली लिखे हैं। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, 5-6 डिफरेंसेस है जो पूछे जाते हैं ये सेम ब्लॉकों से। और अभी ब्लॉक 3 है, 3 में ये जो है कंपोजिट इंडेक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी 12 मार्क्स के लिए और 12 और 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स, सेम टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी जो मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको गिनी इंडेक्स पूछेगा, लॉरेंट कर्व पूछेगा, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे आप आपको रिपीटेड मिलेगा।
ये डिफरेंस बिटवीन भी बहुत बार पूछा जाता है, आर एंड आर स्क्वायर, एडजस्ट आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इग्नू के बुक से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गुली बाबा पब्लिकेशन की भी बुक्स यूज कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। बट आई सजेस्ट यू कि आप जो इग्नू का मटेरियल है उसी में से पढ़े। आप भले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वगैरह क्वेश्चंस किस तरह से और पूछे जाते हैं ये तो मैंने दे दिया, लेकिन और आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो आप गुली बाबा की यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एक साथ आपको उसमें एक ही बुक में पूरा कंटेंट मिल जाता है, बस उतनी ही उसकी हेल्प होगी। लेकिन जो एक्चुअल प्रिपरेशन जो आप करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी में से पढ़े, इग्नू के ही बुक में से पढ़े। नाउ अभी ये फिफ्थ ब्लॉक में आप देखेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो ये फिर से आ गया, ऊपर भी लिखा था और ये भी, ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च का ही टॉपिक है लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर से आ गया था पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ये टॉपिक जो है ये आपको छोड़नी नहीं है, आप वो क्वेश्चन मैंने रिपीटेडली लिखे हैं ताकि टॉपिक्स आपके टॉपिक के अंदर का जो भी कंटेंट है वो आपका छूटे नहीं। ओके गाइस थैंक यू। अगर आपको इस तरह की मेरी हेल्प पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।